जी मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं बना रही हूँ दम वाला कीमा। ये आधा किलो कीमा है, ये कम से कम दो बड़े प्याज है, ये दो दाने टमाटर हैं, ये अदरक लहसुन कटा हुआ है, ये साथ में एक नींबू यूज़ होगा, और ये ग्रीन मिर्चें चार दाने कटे हुए, ये रेड मिर्च है, ये दड़फड़ मिर्चें हैं, ये हल्दी है, ये सूखा धनिया और ये नमक। अभी शुरू करते हैं कुकिंग। ये एक कप के करीब मैं घी डालूंगी। इसमें घी कम डलता है कि दम वाला कीमा, इसमें ज़्यादा घी डालो ना तो वो तरी जो है ऊपर ऊपर आती है, वो अच्छी नहीं लगती दम वाले कीमे में। अभी मैं इसमें ज़्यादा डालूंगी हल्का सा, ये जब गोल्डन हो जाए तो इसमें बकाया फूल कीमा फ्राई करूँगी, लहसुन अदरक फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर उसमें मैं मसाले यूज़ करूँगी। हल्के ऐसे गोल्डन हो गए, इसमें अभी मैं डाल दूँगी ये कीमा, ये अच्छे से इसमें फ्राई करूँगी, फिर बाद में बकाया मसाले डालूँगी। इसके साथ ये अदरक लहसुन है कटा हुआ, पिसा हुआ नहीं कटा हुआ, उसको मैं इसके साथ डाल दूँगी। ये फ्राई होगा कम से कम 5 से 6 मिनट तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये कीमा अच्छे से फ्राई हो गया, इसमें बिल्कुल पानी खत्म हो गया इसमें से। अब इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन वगैरह, नमक, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, कुटी मिर्च, टमाटर, दो टमाटर, दो दाने टमाटर थे कटे हुए वो डाल दिए, ये हरी मिर्च कटी हुई 4 से 5 दाने। अब इसको मैं कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए दाम के रखती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। ये देखें बहुत खूबसूरत सा इसका कलर आ गया, इसमें बिल्कुल जो है ना कोई रस वगैरह नहीं होती, बिल्कुल खुश्क होता है ये दम वाला कीमा जो है ना। अभी इसको मैं गार्निश करके आपको फिर दिखाते हैं, ये तैयार हो गया बिल्कुल। तो आ रही है, ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा कीमा तैयार हो गया दम वाला। ये आप चपाती के साथ लें या नान के साथ लें, जो चीज़ आपको पसंद है, बच्चों को सैंडविच में भी आप ये डाल के दे सकते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर कोई सी अच्छी सी नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।